प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। हम लोग कल बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा कर रहे थे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में आयुर्वेद की क्या क्या चिकित्सा होती है, कैसे दृष्टिकोण होता है। तो एक्यूट फेज में हम लोगों ने कल देखा था जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के पेशेंट एक्यूट स्टेज में आते हैं तो वह कफावृत वात के लक्षण रहते हैं, जब क्रॉनिक स्टेज में आते हैं तो वहां पर धातु क्षयजन्य संप्राप्ति होती है। तो इसी को अच्छे से विस्तार से आज हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग चिकित्सा का जो अलग अलग अंशांश कल्पना से चिकित्सा बदल जाती है उस पर हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो अभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस विथ पेन, अगर बहुत ज्यादा शूल हो रहा है सर्वाइकल एरिया में और जो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तब क्या क्या दवाइयां हम लोग दे सकते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जब शूल हो रहा है बहुत ज्यादा और ये एक्यूट कंडीशन है, क्रॉनिक नहीं है, एक्यूट कंडीशन में हमारे पास पेशेंट जब आते हैं और उनको आयुर्वेद पे भरोसा है, तब यहाँ पर वात कफ हर चिकित्सा करनी है, वायु को भी शमन करे और कफ को भी शमन करे। तो उसमें कौन कौन से घटक द्रव्य होते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो क्या क्या मेडिसिन रहते हैं वो मैं बताऊंगा, घटक द्रव्य तो मैं बाद में बताऊंगा। तो कौन कौन से मेडिसिन रहते हैं, तो रासना सप्तक क्वाथ है वो 45 ml सुबह 45 ml शाम को खाने के बाद दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से वरण आदि कषायम है, इसको 45 ml सुबह 45 ml शाम को दिया तो ये वायु का रुक्ष गुण को कम करता है, वायु का चल गुण, वायु का जो भी स्तंभ वगैरह है वह सबको कम कर देगा। जब स्तंभ कम हो जाएगा तो फिर उससे क्या होगा कि पेन सबसाइड हो जाएगा। कफ का भी जो यहाँ पे लीन दोष है और उसके वजह से कफ की वजह से सर मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति है, तो वहां पर भी यह वरणादि कषायम, रासना सप्तक कषायम, रासना शुंठी आदि कषायम बहुत अच्छा काम करता है, शुंठी बलादि कषायम, फिर रासना पंचक कषायम, महारासनादि कषायम, भद्रदार्वादि कषायम, प्रसारण्यादि कषायम, ये सब जो है ये कषाय सारे है 45 ml सुबह 45 ml शाम को खाने के बाद, सुबह शाम व्यानोद्धान काल में मतलब सुबह के टाइम पे खाने के बाद और शाम को खाने के बाद अगर दो टाइम पे दे दिया तो बहुत अच्छा यह पेन को सबसाइड कर देता है। उसी तरह से चूर्ण अगर देखेंगे तो अश्वगंधा चूर्णम एक एक चम्मच सुबह शाम अगर दे दिया जाए तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस विद पेन, अगर शूल है तो यहाँ पर वेदना शामक और ब्रिहण और वात शामक और कफ शामक ऐसे दवाइयां देना है। तो अश्वगंधा जो है वात श्लेष्मक संप्राप्ति को भंग करने में अच्छी दवाई है इसलिए इसको, और ब्रिहण भी करते हैं, मांस धातु को बल भी देते हैं, ग्रीवा के एरिया में भी ताकत दे देता है उसका। आप बला शीर ये अश्वगंधा शीर पाक भी दे सकते हैं तो पेशेंट को बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। इसी तरह से बला चूर्ण जो है हम लोग शाली षष्ठी पिंड स्वेद जब करते हैं तो उसमें हम लोग दूध का चावल चावल लेते हैं, दूध लेते हैं, खीर बनाते हैं, उसमें बलामूल का चूर्ण डाल देते हैं और उसका पोटली बना के और ऐसे शाली षष्ठी पिंड स्वेद करते हैं तो वह भी शाली षष्ठी पिंड स्वेद भी अच्छा काम करता है। बला चूर्ण का भी प्रयोग अगर एक एक चम्मच सुबह शाम कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से कुछ शमन स्नेह पान मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको पंचकर्म नहीं चाहिए तो उनके लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, तो कार्पस हस्त्यादि तेलम एक एक चम्मच सुबह शाम कर देंगे। कार्पस हस्त्यादि तेलम साउथ की कंपनियां बनाती हैं, इनका प्रयोग आप लोग करते हैं, ये जो कॉटन का प्लांट होता है उससे ये बनता है, कॉटन के मूल से भी बनता है, कॉटन के पंचांग से बनता है, इसलिए कार्पस हस्त्यादि तेलम इसका प्रयोग अगर एक एक चम्मच सुबह शाम अगर कर दिया जाए दूध के साथ मिक्स करके तो फिर बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से प्रसारण्यादि तेलम इसका अगर प्रयोग करते हैं तो यह पेन को सबसाइड कर देता है, दर्द को ठीक कर देता है, यह भी 10-10 ml अगर दें या फिर एक एक चम्मच से शुरू करें 10 ml तक हमें लेके जाना है तो बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से महाराज प्रसारण्यादि तेलम इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। शीर बला तेलम अगर 10 ml सुबह 10 ml शाम को खाने के बाद अगर दे दिया जाए दूध के साथ तो यह भी पेन को कम कर देता है क्योंकि यह स्नेहन करता है, जितना भी स्नेहन करेंगे आभ्यंतर स्नेहपान शमन के रूप में तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुछ गुलिकाएं मैं बता रहा हूँ, गुटिकाएं जिनका प्रयोग अगर हम लोग अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस और सीवियर पेन है जो इतना ज्यादा पेन हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है तब हम लोग पेन को सबसाइड करने के लिए क्या दे सकते हैं, तो हम लोग आभा गुग्गुल का प्रयोग कर सकते हैं, दो दो गोली सुबह शाम अगर दे देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से त्रयोदशांग गुग्गुल इसका प्रयोग अगर हम लोग करते हैं तो दो दो गोली सुबह शाम देते हैं तो बहुत अच्छा ग्रीवाशूल जो रहता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की वजह से ग्रीवाशूल में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से रासना गुग्गुल सुबह शाम दो दो गोली अगर दे दिया जाए तो यह भी जो वेदना हो रही है सर्वाइकल मतलब ग्रीवाशूल मन्याशूल मन्यास्तंभ मन्याग्रह ग्रीवास्तंभ ग्रीवाग्रह ये जो में पेन हो रहा है यहाँ पर
शूल हो रहा है या स्तंभ हो रहा है या ग्रह हो रहा है। ग्रह में कैसा होता है कि पूरा तरह से रुक अटक जाता है, स्तंभ में स्टिफनेस रहता है लेकिन रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट रहते हैं, करने में थोड़ा सा तकलीफ होती है, और शूल जो होता है वो पेन होता है। तीनों कंडीशन में रासना गुगुल, त्रिफला गुगुल बहुत अच्छा काम करता है, योगराज गुगुल, कर्पूर विष्णु चक्रम ऐसे करके एक दवाई आता है, वह गुलिका आती है कर्पूर विष्णु चक्रम, इसका प्रयोग दो दो गोली सुबह शाम करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा करता है। ये सारे आभा गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, महायोगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, ये सारे जो भी गुगुल कल्प है ये वेदरा के समय, देखो कि गुगुल में एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन का प्रॉपर्टी रहता है और पेन किलर भी रहता है, और सारी वनस्पतियां ऐसी है जो वायु का शमन करती है। इसी तरह से आसवरिष्ट में अगर देखेंगे, अगर किसी को ग्रीवाशूल हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्दन में दर्द हो रहा है और उसको मूवमेंट भी नहीं हो रहा है, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस भी है, तो हम लोग अश्वगंधा रिष्टम या बलारिष्टम इनमें से एक द्रव्य का 45 ml सुबह 45 ml शाम को अगर देते हैं तो इससे बहुत ज्यादा वेदना शमन हो जाता है। इसी तरह से रस औषधियों में एक चंड मारुतम करके दवाई आता है, वो एक एक चुटकी शहद के साथ सुबह शाम खिलाते हैं तो वह चंड मारुतम या आप लोगों को सहस्त्र योग में मिल जाएगा, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इसके बारे में, तो इसमें बहुत सारे भस्म है इसका प्रयोग करते हैं तो ग्रीवाशूल में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से संगु भस्मम, इसका भी प्रयोग एक एक चुटकी सुबह शाम, एक एक रत्ती 125 ml, 125 mg सुबह, 125 ml शाम को ये अगर देते हैं तो इससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रस औषधियों में हम लोग महाबाद विध्वंसक रस देते हैं तो वेदना शमन होता है, वात गज अंकुश रस देते हैं, समीर गज केसरी रस देते हैं, बहुत अच्छा बढ़िया काम करता है। इसी तरह से स्वर्ण कल्प में अगर हम लोग देखेंगे तो वृहतवात चिंतामणि रस, क्योंकि वो वात चिंतामणि, वृहतवात चिंतामणि ये बहुत अच्छा काम करता है, फिर त्रैलोक की चिंतामणि रस ये बहुत अच्छा काम करता है, और वहां पर ग्रीवाशूल हो रहा है और वहां पर शयात्मक संप्राप्ति अगर है तो आगे मैं बताऊंगा शयात्मक संप्राप्ति में क्या करना है, लेकिन वहां पे वसंत कल्प का भी प्रयोग अगर हम जैसे रासना सप्तक क्वाथ वगैरह के साथ अगर दिया दिया जाए तो वहां पर कफावृत जन्य जो संप्राप्ति है उसमें भी स्वर्ण कल्प, जैसे स्वर्ण मालिनी वसंत, वसंत कुसुमाकर रस, मधुमालिनी वसंत, वसंत विलय, ये सब द्रव्य भी बहुत अच्छे काम करते हैं। इसी तरह से तेल जो है, कुछ ग्रीवाशूल अगर हो रहा है यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो वहां पर कुछ तेल लगाने के लिए देते हैं तो कुट्टम चुक्क्यादि तेलम, कुट्टम चुक्क्यादि तेलम जो है वह मांस धातु में स्टिफनेस आया है उसको ये ठीक कर देता है। फिर प्रमंजन तेलम बहुत अच्छा बढ़िया काम करता है, कार्पास हस्त्यादि तेलम, लाक्षादि तेलम, धन्वंतरम तेलम बहुत बढ़िया काम करता है। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं कि उन उसमें पित्तानुबंध रहता है और पेशेंट को भ्रम रहता है, चक्कर आता है, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस इतना बढ़ जाता है कि बेड से उतरते समय, सोते समय, चलते समय, कोई भी कंडीशन में चक्कर आता है, तो भ्रम जो होता है वो वात और पित्त की वजह से आता है। ये भ्रम पे हमने बहुत बार डिस्कस किया है क्लिनिकल संभाषा में, लेकिन हम अभी यहाँ पर केवल फोकस करते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस और भ्रम, डिजीनेस अगर आ रहा है तो पित्तानुबंधी चिकित्सा करना है, सारे पित्त और वात इस तरह की चिकित्सा करना है। तो इसमें हम लोग विदार्यादि कषायम है इसका प्रयोग करते हैं, 45 ml सुबह, 45 ml शाम को, खाने के बाद अगर दे देते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है। फिर उसी तरह से प्रसारण्यादि शीर कषायम इसका भी प्रयोग, ये सारे सहस्त्रयोगम के पार्ट है, इनका प्रयोग अगर हम लोग करते हैं 45 ml सुबह, 45 ml शाम को, खाने के बाद अगर दे दिया जाए तो प्रसारण्यादि शीर कषायम इसका भी प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से महातिक्तक कषायम या पित्त का शमन करने वाले सारे द्रव्य बता रहा हूँ, प्रसारणी जो है प्रसारण्यादि कषायम यह भी पित्त का शमन करता है, पित्त के वजह से वहां पे बर्निंग सेंसेशन भी होता है और डिजीनेस भी आ रहा होता है, चक्कर भी आ रहा होता है। इसी तरह से पानातिक्तक कषायम इसका भी प्रयोग अगर हम लोग करते हैं तो ग्रीवाशूल विद डिजीनेस अगर होगा तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से कैशोर गुलिका, फिर त्रिफला गुगुल, ये बहुत अच्छा, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, पंचतिक्तघृत गुगुल, फिर सुशेखर रस, फिर उसके बाद में प्रवाल पंचामृत, कामदुधा रस, ये जितने भी दवाइयां हैं जो पित्त शामक है उनका प्रयोग अगर हम लोग करते हैं तो ग्रीवाशूल और जो भ्रम है, भ्रम में बहुत अच्छा काम करता है। जब पित्त सबसाइड होगा तो अपने आप वायु को भी वो ठीक करने का कोशिश करेगा, और दूसरा बात है कि पित्त एग्रेवेट होता है और वायु भी एग्रेवेट होता है तो दोनों के यहाँ पे मिले जुले सिम्टम्स सारे दिखने लगते हैं। इसी तरह से शमन स्नेह पान में हम लोग महाकल्याण घृतम का प्रयोग करते हैं तो यह पित्तानुबंधी, भ्रम है मस्तिष्क पे ही इसे जाग रहा है और चक्कर आ रहा है तो महाकल्याण घृतम जो है एक एक चम्मच सुबह शाम देते हैं, मन भी ठीक होता है,
मतलब अगर बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है, क्रोध आ रहा है और मन बेचैन है, व्याकुलता है, इन सबको ये जो महाकल्याणक घृतम है, एक एक चम्मच सुबह शाम देने से बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से महातिक्त घृतम, एक एक गोली सुबह शाम अगर हम लोग देते हैं तो भ्रम में भी अच्छा काम करता है, ग्रीवाशूल में भी अच्छा काम करता है। मतलब हमें पित्त पे भी काम करना है, भ्रम पे भी काम करना है, माइंड पे भी काम करना है, और ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में भी काम करना है। इसी तरह से शीरबला तेलम अगर एक एक चम्मच सुबह शाम दे दिया जाए तो चक्कर आ रहा है उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से नस्य अगर दे दिया जाए, अगर भ्रम है और फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, तो हम लोग महाकल्याणक घृतम का नस्य दे देते हैं, पेशेंट का चक्कर आना सब बंद हो जाता है। इसी तरह से महातिक्त घृतम, इसका प्रयोग अगर हम लोग करते हैं नस्य के रूप में, बहुत बढ़िया काम करता है। मैं अपने प्रैक्टिस में 15 ml सुबह 15 ml शाम को मैं नस्य देता हूं, तो मेरे पेशेंट को भ्रम और ग्रीवाशूल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आप लोग, मैं कोई ऐसे झूठ बात नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे सुनने वाले सारे चिकित्सक लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, सारे दिव्य आत्माएं हैं, और अपना अपना मतलब मेहनत से सभी लोग तरक्की कर रहे हैं। तो मैं वही चीज बताऊंगा जो आप लोगों को मालूम भी है, और या फिर आप उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। और आप लोग मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कुछ तो गलत पढ़ा दिया, मैं वही चीज बताऊंगा। 15 15 ml सुबह शाम देते हैं तो महातिक्त घृत है, महाकल्याण घृत है, शीरबला तेल, ये सब का प्रयोग नस्य के रूप में करते हैं, तो भ्रम और ग्रीवाशूल पूरी तरह से, 3 से 6 महीना लगता है, किसी को 3 महीना लगता है, किसी को 6 महीना लगता है, पूरी तरह से भ्रम और ग्रीवाशूल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस पूरी तरह से, जितना स्नेहन होगा उतना बढ़िया ये काम करता है। उसी तरह से तेल के लिए हम लोग कर्चुरादि चूर्णम और शीरबला तेलम, कर्चुरादि चूर्ण मिलता है सहस्त्रयोगम में, उसका बारे में बताया है, तो कर्चुरादि चूर्णम और शीरबला तेल को मिक्स करके और वहां पर अभ्यंग करते हैं, सर पे अभ्यंग करते हैं, मतलब ऐसे सर पे लगाते हैं शिरोभ्यंग, ऐसे करते हैं, ऊपर ऊपर भी लगा देते हैं, यहां भी करते हैं, तो उससे ना भ्रम और ग्रीवाशूल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से कोकोनट मिल्क और कोकोनट ऑयल से सिद्ध का हुआ तेल तेल मिलता है, जिसको बोलते हैं परिणीता खीर तेलम, जो खीर तेलम जो बताया जाता है, केरा तेलम, खीर तेलम या केरा तेलम जो बोलते हैं, जहाँ पे KER, केरा तेलम रहते हैं, उसमें नारियल तेल रहता है, और साउथ की कंपनियां देते हैं परिणता केरा शिरादी तेलम। तो ये जो केरा करके आती है ना सारी दवाइयाँ, वो उसमें कोकोनट मिल्क होता है और कोकोनट ऑयल से सिद्ध किया जाता है। तो इसमें हम लोग पित्तानुबंधी वात में, अगर ऐसा पित्तानुबंधी वात, पित्त भी है और वायु भी है, तो ये नस्य अगर दे देते हैं तो इससे भ्रम भी ठीक होता है, ग्रीवाशूल भी ठीक होता है, दाहपाक वगैरह जो हो रहा है पित्त के वजह से भ्रम हो रहा है, वह सब पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इससे क्या होता है कि परिणता केरा शीरबलादि तेलम, या परिणता केरा शिरादि तेलम, ऐसे करके एक तेल आता है, आप लोग अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। तो इससे सेंसरी न्यूरोपैथीज जो रहती है, सेंसरी नर्व की न्यूरोपैथी, वहाँ पे जो इंफ्लेमेटरी चेंजेस आते हैं या मसल वेस्टिंग होता है, यहाँ के मसल सूख जाते हैं, उसमें ये बृहन कार्य करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से मस्कुलर पेन है और इन सब में भी अगर नस्य दे दिया जाए तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से स्वेदन करना है तो धान्याम्ल का स्वेद देते हैं, नाड़ी स्वेद करते हैं, पिजिचिल करते हैं, तो ये पिजिचिल करके फिर नाड़ी स्वेद देते हैं, तो बहुत बढ़िया यहाँ पर भ्रम वगैरह को ठीक करता है। लेकिन स्टीम जब देते हैं तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा हो कि पित्त अग्रेवेट हो, तो बहुत बड़ा काम करता है। इसी तरह से नस्य देते हैं, और मैं तो अपने प्रैक्टिस में अगर भ्रम भी है और या ग्रीवाशूल भी है तो शालिषष्ठिक पिंड स्वेद का प्रयोग करता हूँ और तिक्तक शीरबस्ती इसका प्रयोग करता हूँ, तो मेरे पेशेंट को भ्रम भी ठीक होता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में भी बहुत बढ़िया आराम करता है। इसी तरह से नस्य में कार्पासस्त्यादि तेलम है, शीरबला तेलम है, चंदनमलाराक्षादि तेलम है, ये सब का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो ग्रीवाशूल और भ्रम ये पित्तानुबंधी वात में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से हमारे पास पेशेंट आते हैं जब इनको ऐसा लगता है कि पूरा सुन्न हो गया है, तो वहां पर कफावृत ऐसा सिम्टम आता है, या प्रसुप्ति लगता है, यहाँ पर भी लगता है सुन्न हो गया है, नमनेस आ जाता है, सिर में भी नमनेस आ जाता है पेशेंट को। ऐसे मेरे पास एक पेशेंट आई थी अभी, अनुरिता मैम ने भी देखा है, वो बोल रही थी कि मेरे सिर में स्पॉन्डिलाइसिस की वजह से ऐसा लगता है कि पूरा ऐसे शून्य हो गया है, कुछ या तो दो कंडीशन होती है, या तो चींटियां काट रही है या फिर लगता था कि सुन्न हो गया, कुछ भी सेंसेशन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर कफ का अनुबंध रहता है, कफ अनुबंधी या कफ का आवृत आवृतत्व रहता है, अनुबंध भी रह सकता है या आवृतत्व भी रहता है, वायु को वो ये कर देता है।
मतलब आवरण कर देता है, और प्रसुप्ति ये सिम्टम रहते हैं। तो इसमें हम लोग पीने के लिए क्या देते हैं, जब नमनेस है, यहाँ पर नमनेस है, सिर पे नमनेस है, तो इसमें वरण आदि कषायम है 45 ml सुबह, 45 ml शाम को, अगर खाने के बाद दे देते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से लशुनादि कषायनम या रसोनादि कषायम, दोनों एक ही है, उसका प्रयोग करते हैं। गुग्गुल तिक्तव कषायम, फिर अष्टवर्ग कषायम, जो जीवने गण है उसमें जीवक और ऋष्भक हटा दिया, फिर मेधा महामेधा काकुली शीर काकुली मुद्ग प्रणिमाष्पर्णी यष्टि मधु जीवंती, इसका जो काढ़ा अगर दे देते हैं, काढ़ा बने बनाए भी मिलता है, आप लोग लेके आइए और वो पेशेंट को दीजिए, तो इससे जो ये प्रसुप्ति है, क्योंकि रक्त का संचरण अगर नहीं हो पा रहा है तो प्रसुप्ति हो जाता है, कफ आवृत कर देता है, ब्लड को भी ऊपर से जाने नहीं देता, वायु को भी जाने नहीं देता, इसीलिए प्रसुप्ति के लक्षण आ जाते हैं, नमनेस आने लगता है। तो ऐसे में अगर हम लोग अष्टवर्ग कषायम देते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देता है, और कफ का अनुबंध है उसको ठीक कर हटा देता है, आवृतत्व को भी हटा देता है, इसलिए इसका फायदा होता है। इसी तरह से रासना सप्तक कषायम है, रासना पंचक कषायम है, महारासनादि कषायम है, शुंठी बलादि कषायम है, लशुन शीर कषायम है, प्रसारण्यादि कषायम है, बहुत बढ़िया काम करता है, सारे 45 ml सुबह, 45 ml शाम को ये दे सकते हैं। इसी तरह से चूर्ण में देखेंगे तो अश्वगंधा चूर्णम, एक एक चम्मच सुबह शाम देने से फायदा होता है। लवंग चूर्णम, लवंग जो है वो तीक्ष्ण रहता है और ब्रेन तक ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा कर देता है, इसलिए जब प्रसुप्ति लक्षण है तो लवंग चूर्ण को 3 ग्राम शहद के साथ अगर देते हैं सुबह शाम, 3-3 ग्राम की मात्रा में, तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से कपिकच्छु चूर्णम है, शुक्र धातु को अच्छा करता है, बल देता है, तो इससे भी नमनेस जो है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और कपिकच्छु में डोपामाइन रहता है, नेचुरल डोपामाइन रहता है, पार्किंसन डिजीज में भी हम लोग जो वो लेवाडोपा मिथाइल डोपा ये सब देते हैं, उसमें भी प्रसुप्ति ये सिम्टम रहता है, तो वहां पर भी कपिकच्छू चूर्ण का बहुत अच्छा फायदा करता है, नेचुरल डोपामाइन है, तो ब्रेन का सारा फंक्शंस को ये मतलब अच्छा स्टिमुलेट करता है और बल देता है, इसलिए कपिकच्छू चूर्ण का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, और फिर ये शून्यता भी है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अगर नहीं हो पा रहा है तो हम लोग और क्या, क्योंकि यहाँ स्पाइनल कैनाल है वो नैरो हो गया है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या क्या मेडिसिन दे सकते हैं, तो आवृतत्व को हटाना है, आवरण करके रखा है वायु को, कफ ने आवरण किया है इसलिए वायु जा नहीं पा रहा है और ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, इसलिए लहसुन आदि बट्टी दो दो गोली सुबह शाम, लहसुन जो है वो आवृतत्व को ठीक करने के लिए बेस्ट दवाई है, इसलिए लहसुन आदि बट्टी दो दो गोली सुबह शाम देते हैं, रासना गुगुल देते हैं, कस्तूरी गुलिका देते हैं, लवंग आदि बट्टी देते हैं, व्योष आदि गुगुल देते हैं, योगराज गुगुल देते हैं, कर्पूर विष्णु चक्रम ये भी एक दवाई है जो शास्त्र योग में बताया, उसका प्रयोग करने से फायदा होता है। मैं जो भी बता रहा हूँ मेरे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर का नोट्स है उसे मैं बता रहा हूँ, तो ये नोट्स जो है ना ये बहुत बढ़िया नोट्स है, सर ने अपने पूरा रिसर्च करके और उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को दिया है और फिर सर ने बताया है, तो वही सारा नॉलेज है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसी तरह से पिण्याक तेलम 5 ml सुबह 5 ml शाम को, अगर दूध के साथ या नॉर्मली दे दिया जाए तो जिनको शून्यता है उनमें बहुत अच्छा फायदा करता है। कार्पासस्यादि तेलम है, प्रसारण्यादि तेलम है, ये प्रसारण्यादि तेलम 10-10 ड्रॉप ही देना है, उससे जो ये सुप्ति ऐसे सिम्टम आ रहे शीर शून्यता उसमें फायदा होता है। मैं अपने प्रैक्टिस में शीर वाला तेल का नस्य देता हूँ, तो जो शीरो शून्यता है 15 ml सुबह 15 ml शाम को, तो पेशेंट को नींद भी अच्छी आती है और टिंगलिंग हो रहा है बहुत ज्यादा, ऐसा लगता है कि चींटियां काट रही हैं, वह भी ठीक हो जाता है, उसी तरह से नींद अच्छी आती है, तो शीर वाला तेल का नस्य, और वो पेन भी नहीं करता, तकलीफ भी नहीं, इरिटेशन भी नहीं करता, 15 ml सुबह 15 ml शाम को, 3 महीना अगर दे दिया तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से आशावरिष देखेंगे तो उसमें अश्वगंधा रिष्टम है, जो शीर शून्यता है, प्रसुप्ति है, नमनेस है, उसमें बहुत अच्छा काम होता है। बलारिष्टम है, 45 ml सुबह 45 ml शाम को, खाने के बाद दे देंगे, सुबह शाम दे देंगे तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से रस औषधि में चंड मारुतम करके आता है, साउथ इंडिया में चंड मारुतम नाम की दवाई बहुत ज्यादा फेमस रहती है, तो 50 mg 50 50 मतलब एक रत्ती से मतलब आधा रत्ती इतना अगर दे दिया जाए सुबह और शाम, अगर शहद के साथ दे दिया जाए तो बहुत बढ़िया काम करता है, या अल्टरनेट डेज दे दिया जाए तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से रस सिंदूरम आधा रत्ती सुबह आधा रत्ती शाम को, अगर शहद के साथ दे दिया जाए तो यह भी डिजीनेस और नमनेस जो आ रहा है प्रसुप्ति है कफ के आवरण की वजह से वह ठीक कर देता है। इसी तरह से कर्पूर विष्णु चक्रम इसका भी प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से अगर बहुत ज्यादा शीर शून्यता है तो महायोगराज गुगुल है, त्रयोदशांग गुगुल है, लाक्षा गुगुल है,
वात गजान कुश रसे समीर गज के, जो वायु का शमन करे और कफ का आवरण भी निकाले, तो उन सब का हम लोग देते हैं। मैं अपने प्रैक्टिस में त्रिभुवन कीर्ति रस का भी प्रयोग करता हूँ। त्रिभुवन कीर्ति जो रस है वो कफ और वायु इन दोनों पे काम करता है, तो शिरा शून्यता बहुत अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा, क्योंकि उसमें वत्स नाभ है। वत्स नाभ जो रहता है आम का पचन करता है, आम जैसे पचेगा वैसे ही वायु का सर्कुलेशन अच्छे से होने लगेगा, भूख लगने लगेगी। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है। उसी तरह से हम लोग अगर नमनेस बहुत ज्यादा है तो हम लोग रस पाचक, रक्त पाचक ये अगर देते हैं तो रसगत आम का पचन होता है, रक्तगत आम का पचन होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो जो चींटियां काटने जैसा अनुभव हो रहा है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से तेल में ये जो रहता है प्रभंजन कुजंबू, इसका प्रयोग अगर हम लोग यहाँ से ऊपर नीचे सब करते हैं तो प्रभंजन कुजंबू, कुजंबू जो रहता है वह ये रहता है दो स्नेह रहते हैं, घी और तेल दोनों से मिक्स करके सिद्ध करके बनाया जाता है। कुजंबू कल्पना का भी प्रयोग साउथ इंडिया में बहुत होता है, आप लोग भी अगर इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं, डिजेनरेशन हो रहा है मतलब हड्डी जो है डिस्क पूरी तरह से घिस गया है, जिसको हम गादी घिसना बोलते हैं मराठी में, और हड्डी एक दूसरे से टकरा रही है, यहाँ पर क्रॉनिक स्टेज में आ जाता है। एक्यूट फेज गया, पेशेंट ने इग्नोर किया, पेन किलर खा के रहा, जब वहां धातु क्षय हो रहा है एक दूसरे पे घिस रहा है, तब हमें क्या दवाई देना चाहिए, तो उसमें वातहर और बृहन चिकित्सा और स्नेहन चिकित्सा इस तरह की चिकित्सा करना चाहिए। कषाय में प्रसारण्य आदि शीर कषायम, उसमें हम लोग को कुछ महानारायण तेल या कुट्टम चुक्की आदि तेल या शीर भला तेल डाल के 45 ml सुबह 45 ml शाम को अगर हम लोग ये पीने के लिए देते हैं तो उससे डिजेनरेटिव चेंजेस जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। उसी तरह से बिदार्य आदि कषायम है, धन्वंतर कषायम है, इसमें शीर भला तेल, धन्वंतर तेल, कोई भी एक सिद्ध तेल जो है उसका प्रयोग करते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है। और वो भी 1 साल तक करना पड़ता है कंटिन्यूली, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब तक वो पूरा डिजनरेशन ठीक नहीं होता है तब तक देना है। और अभ्यंतर स्नेपन भी कराना है, दीपन पाचन करके ही सब द्रव्य देने। इसी तरह से लाक्षा गुगुल है, बहुत बढ़िया काम करता है, जो डिजनरेटिव चेंजेस को ठीक कर देता है। इसी तरह से शमन स्नेहपान है, जो डिजनरेटिव चेंजेस में, यहाँ पर डिजनरेशन हो गया है, हड्डी एक दूसरे पे घिस रही है और बहुत ज्यादा ऐसा नोकीली नोकीली हो गई है, वहां पर रीजनरेट करना है, वहां पे बहुत ज्यादा स्नेहन होना चाहिए। जैसे कि गाड़ी है या साइकिल है, उसमें अगर तेल कम हो जाए तो साइकिल का चाक नहीं घूमता है, वो अटक जाता है, उसी तरह से डिजनरेटिव चेंजेस होते हैं। तो वर्टिब्रास के बीच में डिस्क कम हो गया, एक दूसरे पे घिसने लगता है बहुत ज्यादा, वायु की रुक्षता, खरता, परुषता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वहां पर ये चीज को रोकना है हमें, नहीं तो और ज्यादा तकलीफ होगा, तो बहुत ज्यादा पेशेंट को सीवियर पेन होगा और इमरजेंसी की कंडीशन आएगी, पेशेंट बेहोश हो जाएगा और जो सर्वाइकल कैनाल है वो भी और नैरो हो जाएगा। इसलिए वहां स्नेहन होना बहुत जरूरी है, जितना स्नेहन होगा वहां पर वो थोड़ा स्पेस अच्छा हो जाता है और डिस्क बनने लगता है। इसके लिए हम लोग धन्वंतर बस्ती का प्रयोग करते हैं, बस्ती का प्रयोग करना बहुत बढ़िया काम करता है। फिर उसके बाद में मुस्तादी अपन बस्ती देते हैं, फिर उसके बाद में शीर वाला तेल का बस्ती देते हैं, माधु तैलिक बस्ती देते हैं, यापना बस्ती है, मुस्तादी अपन बस्ती, स्थिरादि यापना बस्ती, बल्लादि यापना बस्ती बहुत बढ़िया काम करता है, या फिर मज्जा बस्ती मतलब बकरे का हड्डी को तोड़ के और उसका जो रस निकलता है अंदर का बोन मैरो उसको सिद्ध करके जो मज्जा बस्ती रहता है इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अजामांस रसायनम इसका प्रयोग करते हैं तो डिजेनरेटिव चेंजेस को ठीक कर देता है। इसी तरह से गंध तेलम का प्रयोग पीने के लिए करें 10 ml सुबह 10 ml शाम को तो डिजेनरेटिव चेंजेस को ये ठीक कर देता है। शीर बला तेलम का प्रयोग अगर करें तो बहुत अच्छा फायदा करता है। प्रसारण्यादि तेलम का प्रयोग करने तो बहुत अच्छा फायदा होता है। धन्वंतर तेलम सारे 10-10 ड्रॉप ही सुबह शाम खाने के लिए देना है, दूध में मिक्स करके और पिला दीजिए, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। धन्वंतर बस्ती का भी प्रयोग करें या धन्वंतर तेल का भी पीने के लिए प्रयोग करें तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से लेह कल्पना जो रहती है चवन प्राशावले उसका प्रयोग करते हैं तो डिजेनरेटिव चेंजेस को ठीक कर देता है। नरसिंह रसायनम, नरसिंह रसायनम में मैंने अपना एनालिसिस किया है, आप लोग भी करते होंगे, कि वो रीजनरेट करता है, नरसिंह भगवान जैसा ताकत दे देता है, और जहां पर भी डिजनरेटिव चेंजेस है हड्डी एक दूसरे पे घिस रही है, नरसिंह रसायन 3 महीना खाया ना तो वो डिजनरेशन रुक भी जाता है और वहां पे जो डिस्क जो घिस गया है वो फिर से नया बन जाता है। तो इसीलिए नरसिंह रसायन का प्रयोग करिए, 2-2 चम्मच सुबह शाम देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अश्वगंधा तिले हम का प्रयोग करते हैं तो उससे भी रीजनरेशन होने लगता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। और मैं अपने प्रैक्टिस में सिद्ध मकर ध्वज देता हूँ, स्वर्ण मालिनी वसंत देता हूँ और जय मंगल रस देता हूँ, जैसा कंडीशन रहता है वसंत कुसुमाकर, अगर डायबिटिक पेशेंट तो वसंत कुसुमाकर, ऐसे सारे स्वर्ण कल्प अगर हम लोग दे देते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से संगु भस्म, प्रवाल भस्म,
चंड मारुतम, इनका प्रयोग अगर हम लोग आधा आधा रत्ती सुबह शाम करेंगे तो बहुत बढ़िया काम करते हैं। इसी तरह से अश्वगंधा रसायनम का प्रयोग करते हैं, अजामास रसायनम का प्रयोग करते हैं, नागबला रसायनम का प्रयोग करते हैं, तिल रसायनम में 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को हम लोग क्या करते हैं कि इसका काढ़ा बनाते हैं, या तिल रसायनम मिलता है मार्केट में उसका प्रयोग अगर हम लोग करते हैं नॉर्मल पानी के साथ अगर करते हैं सुबह शाम, तिल जितना जाएगा उतना डिजेनरेटिव चेंजेस को ठीक कर देगा, या तिल के लड्डू सुबह शाम अगर खा लिया जाए तो वह भी बहुत अच्छा काम करता है। हम लोग यहाँ पर महाराष्ट्र में गोंद के लड्डू खिलाते हैं, जब डिजेनरेटिव चेंजेस रहते हैं ना तो उसको रिकवर करने के लिए गोंद का लड्डू खिलाते हैं और नस से कंटिन्यू देते हैं। एक मेरे पास पेशेंट आए थे जिनका पूरा डिजेनरेशन हो गया था, हड्डियां एकदम चिपक गई थी, C1 से C7 तक जितना भी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो सूख गया था और बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और ऐसे कट कट आवाज आती थी। तो मैंने उनको शीर वाला तेल का नस्य दिया, 15 ml सुबह 15 ml शाम को, ऐसे 2 टाइम दिया और बाकी यही सारी दवाइयां दी, नरसी रसायन दिया, गुगुल तिक्त घृतम दिया, फिर अश्वगंधा लेहम दिया, फिर विदार्य लेहम दिया, कुष्मांड लेहम दिया, ऐसे अलग अलग बदलते बदलते गया। और स्वर्णकल में वृहद्वाज चिंतामणि, सिद्ध मकर ध्वज, फिर उसके बाद में वृहद्वाज चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, ऐसे बहुत सारे द्रव्य दिए। कभी कभी मुझे वहां पे टीबी का भी इतिहास मिला, ट्यूबरक्लोसिस, तो राज मृगांक रस दिया मैंने, स्वर्ण मालिनी वसन दिया, कभी मधु मालिनी वसन दिया, कभी लघु मालिनी वसन दिया, अलग अलग कंडीशन में मैंने दवाइयां दिया तो रीजनरेशन होते हुए देखा गया। ये सारे स्वर्ण कल्प है, रीजनरेट करते हैं। कभी कभी ब्रह्म रसायन देना पड़ा, कभी कभी अलग अलग रसायन का भी प्रयोग किया तो बहुत बढ़िया रीजनरेट होता है। तो क्योंकि एलोपैथी साइंस में इसका इलाज नहीं है, वो लोग केवल सर्जरी करेंगे और वहां पे ग्रीस डाल के फिर सिल देंगे या फिर वहां नट बोल्ट डाल के एक प्लेट बैठा देंगे, लेकिन उसका वो इलाज नहीं है, फिर से और प्रॉब्लम होने लगती है। उसी तरह से पंचस्नेह तेलम का प्रयोग करते हैं, फिर पंचस्नेहम का, प्रभंजन तेलम का, कुट्टम चुक्यादि तेलम का, अभ्यंतर पीने के लिए भी देते हैं, लगाने के लिए भी देते हैं, केतकी मूलम तेलम, कार्पास हस्त्यादि तेलम, बहुत बढ़िया काम करता है। नस्य के लिए शीर बला तेलम जो है, डिजेनरेटिव चेंजेस अगर आ गए हैं, कभी कभी फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आभा गुगुल, लाक्षा गुगुल, संधान्य गण के द्रव्य बहुत बढ़िया काम करते हैं। इसी तरह से शिरोधारा करते हैं तो हम लोग शिरोधारा का भी प्रयोग करते हैं ना वहां पे, मतलब नॉर्मल, तो उसका भी प्रयोग यहाँ पर जो ये डिजेनरेटिव चेंजेस है उसको ठीक करने के लिए होता है। तो या फिर हम लोग शिरोवस्ती करते हैं या तैल धारा करते हैं, तो उसमें जो अगर करना है तो मैं कुछ कुछ तेल बताता हूँ, आप लोग यूज करिएगा। मुरीवीणा तेल का अगर तैल धारा किया यहाँ पे तो बहुत बढ़िया काम करता है। मन्यावस्ती किया, ग्रीवावस्ती किया, बहुत बढ़िया काम करता है। उसी तरह से हम लोग कुट्टमचुक्क आदि तेल का किया, फिर चंदनमला लाक्षादि तेल, बलाश्वगंधादि लाक्षादि तेल, लाक्षा तेल, चंदनमला लाक्षादि तेल, बहुत सारे, फिर धन्वंतर तेलम, बहुत सारे तेल हैं, मैं तो 4-5 ही बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम की कमी है, तो बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से जब एक्यूट फेज चला जाता है और मतलब थोड़ा क्रॉनिक स्टेज आ रहा है तब नेक का एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। जब उसका पेन सबसाइड हो गया तो ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे हम लोग को करने के लिए बोलना है, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करते रहेंगे, स्नेहन होते रहेगा तो वहां पर वो स्नेहन होके जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो पूरी तरह से रीजनरेट हो जाता है। और ये आयुर्वेद ही कर सकते हैं, एलोपैथी साइंस ऐसा बोलता है कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई, इरिवर्सिबल सेल डेथ हो गया तो वो ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन आयुर्वेद बोलता है कि नहीं, हम लोग ना सूखा पेड़ है अगर उसमें जान बाकी है तो हम लोग अच्छा खाद डालेंगे, अच्छा पानी डालेंगे और उसको हरा भरा कर सकते हैं। उसी तरह से जीवित इंसान में कोई भी इरिवर्सिबल सेल इंजुरी नाम का चीज नहीं होता, वह अगर सेल इंजुरी होती है तो लास्ट स्टेज में होती है, वह धातुपाक की अवस्था होती है, जैसे जंगल में पूरा आग भड़क गया और सारे धातुओं को जला दिया, सारे पेड़ पौधों को जला दिया, तो वह धातुपाक होता है और फिर मृत्यु होती है। लेकिन अगर वो अरिष्ट सूचक लक्षण नहीं है, धातुपाक नहीं है और केवल थोड़ा सा डैमेज हुआ है, डिजेनरेटिव चेंजेस आए हैं, तो उसको हम लोग आयुर्वेद का नस्य का प्रयोग करते हैं, पीने का प्रयोग करते हैं, बस्ती का प्रयोग करते हैं, अभ्यंग का प्रयोग करते हैं, स्वेदन करते हैं, इन सब से ये बहुत सारे अलग अलग यहाँ आयाम दिए हैं, अलग अलग मेथड्स बताए, उससे बहुत बढ़िया काम करता है। अब मुझे आप लोगों को नेक एक्सरसाइजेस भी मैं कल बताऊंगा कि हम लोगों को नेक एक्सरसाइजेस अलग अलग कैसे करना चाहिए और उससे नेक मसल्स को स्ट्रेंथनिंग कैसे करना चाहिए, इस पर मैं कल लेक्चर लूंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट तो कराते हैं लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को मालूम नहीं होता कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में नेक एक्सरसाइजेस कैसे कैसे कराना है, तो मैं कल उस पर बताऊंगा। अभी आप लोग प्रश्न पूछिए, मैं उसके आंसर देने का कोशिश करता हूँ। आप लोग को मालूम नहीं है, आप लोग ने पिछले जन्म में भी ऋषि मुनि थे और चिकित्सक थे, उसके पिछले जन्म में भी आप लोग ऋषि मुनि और चिकित्सक थे, सारी दिव्य आत्माएं हैं आप लोग,
जो इस जन्म में भी पुण्य का काम करने के लिए आप लोग आए हैं। उसी तरह से मुझे आप लोगों को एक और चीज बताना है जो सच बात है कि अगर हम लोग देखेंगे तो जिहादी लोग जो रहते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, वो लोग ना गलत गलत दुष्ट आत्माएं रहती हैं। उन लोगों का काम क्या है कि इंसान को दुख देना, वेदना करना, और उनको दूसरे को नुकसान पहुंचा के बहुत आनंद आता है और उन लोग को लगता है कि जन्नत मिल गया, जबकि ये गलत है। और जो पवित्र आत्माएं रहती हैं, भगवान ने तो हर तरह के अच्छे बुरे सब बनाए, पवित्र आत्माएं रहती हैं, वो किसी का भला करके उनको अच्छा लगता है। तो आप लोग जो हैं, जो भी आयुष दर्पण के चिकित्सक हैं, सब दिव्य आत्माएं हैं। पिछले जन्म के इतने पुण्य कर्म हैं आप लोगों के कि कलयुग में भी आप लोगों को श्रेष्ठ आयुर्वेद का चिकित्सा करने का मौका मिला है। और मुझे तो लगता है सभी आप लोग ऋषि मुनि ही थे पिछले जन्म में, और आप लोग के जो मतलब हमारे जो पूर्वज हैं वो भी ऋषि मुनि थे। तो हम लोग ना लोगों का भलाई करते हैं, मतलब भला करते हैं, कल्याण करते हैं, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमसे सभी पेशेंट ठीक ही होते हैं, हम लोग का पुण्य ही काम है। और ऐसा बोलते हैं ना कि चिकित्सा नास्ति निष्फला, क्वचित धर्मा क्वचित एषा क्वचित मैत्री, ये जो बताया है योग रत्नाकर में, चिकित्सा कभी निष्फल नहीं होती है। कभी दोस्ती मिलती है, कभी पैसा मिलता है, कभी यश मिलता है, कभी कीर्ति मिलती है, चिकित्सा कभी भी निष्फल नहीं होती। मेरे पास एक पेशेंट आए थे उन्होंने मुझे क्या किया, मैंने उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस ठीक किया, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे ना दो बैल गिफ्ट में दिए। मैंने कहा कि मुझे बैल क्यों चाहिए, तो बोले नहीं हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। मतलब उनकी भावना ये थी कि हम डॉक्टर को बैल दें। मैंने कहा मेरा तो कोई खेती नहीं है, मेरा क्लिनिक है, मैंने लौटा दिया। ऐसे कुछ ना मुझे ड्राई फ्रूट देते हैं, कुछ लोग नींबू देते हैं, कुछ लोग गुड़ देते हैं। मैं पेशेंट का जो ये रहता है ना कि हम डॉक्टर को दें, इन्होंने हमको ठीक किया, तो ये ना दिल से जो दुआएं मिलती हैं वो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमने मेहनत किया। और मैं ना ये आप लोगों को भी करता हूँ कि पेशेंट को ठीक करने पे ध्यान दीजिए। पैसा तो आएगा, पैसा सेकेंडरी है, सभी को पैसा कमाना है और पैसा कमाना ही है, लेकिन ना पुण्य भी कमाइए और थोड़ा ह्यूमैनिटी रखिए। जी डॉक्टर वैशाली जी पूछ रही हैं कि नरसिंह रसायन और नरसिंह चूर्ण सेम है क्या? बिल्कुल नहीं सेम है। रसायनम जो है वो मक्खन से बनाया जाता है और वो अवलेह फॉर्म में आता है, और नरसिंह चूर्ण अलग है, दोनों अलग है। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता पेठे जी नमस्ते। गंध तेल हम यूज कर सकते, जरूर कर सकते हैं, पीने के लिए दीजिए, दूध के साथ लगाने के लिए दीजिए, नस्य के लिए दीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है। डॉक्टर रचना जी बोल रहे हैं कि वर्टाइगो ब्रह्म भी है तो क्या दें? तो ब्रह्म हरि गण है, उसमें धमासा है, निशोत्तर है। आप ना भी इंटरेक्टिव सेशन में मुझे ये प्रश्न पूछेगा तो मैं परफेक्ट चीज बताऊंगा। एक ब्रह्म हरि गण है हमारे सर का फॉर्मूला बुक में है, आप लोग उसमें भी देख सकते हैं। ब्रह्म हरि गण में धमासा, निशोत्तर और एक और चीज है जो मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा, वो देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर रंजीता कश्यप जी बोल रहे हैं कि सर एक 1 मंथ बेल बेबी को फिट्स आ रहे हैं तो क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? तो आप 1 मंथ बेबी को अगर फिट्स आ रहे हैं तो एक तो ये देखिए कि माता को दूध कैसा आ रहा है और उसको कुछ फीवर वगैरह है क्या, तो पहले हेतु निकालिए और उसके बाद में आप उनको ना ये जो ये तेल है वचा तेल या ज्योतिषमती तेल का नस्य देना है, संज्ञा स्थापन करना है। और दूसरा क्या करना है कि पंचामृत लो गुगुल है उसको ये पीस के शहद के साथ चटाइए, तो बहुत बढ़िया काम करेगा। पंचामृत लो गुगुल है, स्मृति सागर रस है, क्योंकि तो फिट्स आते हैं तो स्मृते अपगम ऐसा बताते हैं, मनोवह स्त्रोत जो रहता है वह दूषित रहता है। तो जो पंचामृत लो गुगुल है ना उसका कंटेंट, तो सरसों के तेल में बहुत सारे भस्म डाले, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, लौह भस्म, बहुत सारे 5 चीजें डाली हैं, तो यह बहुत अच्छा फिट्स में भी काम करता है, वहां पे मतलब स्टिमुलेशन भी देता है, स्त्रोतोरोजन संप्राप्ति को ठीक करता है, अपस्मार में बहुत अच्छा काम करता है। तो आप यही दीजिए, स्वर्ण प्राशन भी कराइए, पंचामृत लो गुगुल, स्मृति सागर रस, महापंचगव्य घृत, ये सब अगर देंगे ना तो फिट्स पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर प्राची जी बोल रहे हैं कि सर एक लेक्चर अलग अलग ऑयल कौन से कंडीशन में दें उस पर ले लीजिए। जी मैं जरूर लूंगा प्राची जी। डॉक्टर प्रीति जी बोल रहे हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में निरुबस्ती क्या देंगे? तो दशमूल सिद्ध जो है ना, दशमूल सिद्ध काढ़ा, उसका अगर निरुबस्ती देते हैं, निर्गुंडी का काढ़ा देते हैं, फिर रासना सप्तक क्वाथ का देते हैं, फिर बहुत सारे द्रव्य हैं जो देवदारू का काढ़ा देते हैं, तो बहुत सारे जो वात शामक है गण आप लोग देखेंगे संहिताओं में, तो वात शामक गण है बहुत सारे, उनका निरुबस्ती बना के दे दीजिए। डॉक्टर सुखदेव एरंड मूल आदि बस्ती भी देते हैं, एरंड मूल का काढ़ा आदि बहुत सारे का काढ़ा बना के देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर सुखदेव जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते, प्रणाम आपको।
डॉक्टर सौम्या जी बोल रही हैं कि ये सभी मेडिटेशन अकॉर्डिंग टू अवस्था लाइक उपस्तंभ और निरुपस्तंभ के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करके बताइएगा। हाँ, तो जहां पर आम है तो वहां पर दीपन पाचन करना पड़ता है, स्त्रोतोरोजन संप्राप्ति। मैंने बताया ना, एक्यूट फेज में उपस्तंभित वायु के ही लक्षण दिखते हैं, और क्रॉनिक स्टेज में निरुपस्तंभ नहीं, इसमें यह भी रहता है कि निरुपस्तंभित और उपस्तंभित आम वात जन्य अगर संप्राप्ति है तो उपस्तंभित वायु रहता है। तो आम वात जैसी चिकित्सा करनी है, जब वायु का मतलब यहाँ जब आम पच जाता है, निरुपस्तंभित रहता है, तो वहां पर हम लोग जो संधिवात रहता है, जहां पर शयात्मक संप्राप्ति देते हैं, वह देते हैं। तो आप देखिए कि आम है क्या, आम की वजह से उस हिसाब से हमें मेडिसिन सेलेक्ट करना पड़ता है। कोई भी हमारे मेडिसिन से आम उत्पत्ति हो जाए, अग्निमान देता हो जाए, तो वह और उपस्तंभ को बढ़ाएगा, उस हिसाब से आपको कैटेगराइज करना होता है। मैंने आमवाद पे एक लेक्चर लिया था, वो मेरा लेक्चर आप यूट्यूब में सर्च करिए, और वही सारी मेडिसिन यहाँ पर भी काम करेंगी। डॉक्टर प्रीति जी बोल रहे हैं ओबेसिटी मैनेजमेंट पे भी एक लेक्चर लिया। जी जरूर मैं लूंगा। डॉक्टर स्वाति जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली जी बोल रहे हैं हम धन्य हो गए आप जैसे गुरु पाकर, आपको शत शत नमन। आपको भी शत शत नमन। आप सभी में परमात्मा है, सभी के हृदय में परमात्मा है, और भगवान आप लोगों को अच्छा तरक्की कराएं, आप लोगों को आशीर्वाद दें, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी नमस्ते, प्रणाम आपको। मुझे आप लोग सब लोग बहुत अच्छे लगते हैं, को आप मानिए ना मानिए, इसलिए तो मैं आप लोगों से, हम लोग घर के फैमिली मेंबर से कुछ भी चीज़ छुपाते हैं क्या? नहीं छुपाते हैं। इसी तरह से मैं, आप लोग मेरे एक फैमिली मेंबर है, मैं आप लोगों से सारा नॉलेज सब शेयर करता हूँ। मेरा यही है कि आप लोग का तरक्की हो, आप लोग का ट्रीटमेंट और परफेक्ट हो, और पेशेंट सभी ठीक होके आपको दुआएं दें, आपसे दोस्ती करें, आपको पैसा दें, और आपका नाम हो, यश कीर्ति हो, इसलिए मैं अपना सारा नॉलेज आप लोगों को दे देता हूँ। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राजिंदर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीष जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रंजीता जी बोले हैं सर आपको स्टार सेंड करना चाहते हैं पर पेमेंट ऑप्शन पेटीएम नहीं है, कैसे करूं? आप ऐसे ही दुआएं दीजिए हमें, अभी आप क्या देंगे? मेरे पास सब है, मेरे पास बहुत पैसा है, आप ये मत सोचिए। सिंगल इंसान को कितना पैसा चाहिए? 2 वक्त का खाना चाहिए, और क्या चाहिए? मेरे पास बहुत पैसा है, आप बस खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, पेशेंट ठीक करिए। डॉक्टर गौरव खुराना जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्राची जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मृणाल जी बोल रहे हैं कि पित्त प्रकृति में लाक्षा गुगुल दे सकते हैं क्या? आई एक्सपीरियंस एसिडिटी। लाक्षा आपका शुद्ध है कि नहीं वो देखिए, और पित्त प्रकृति वाले को पहले ही क्यों लाक्षा दे रहे हैं? पहले पित्त शमन करिए ना, उनका विरेचन कराइए, पित्त शमन करिए, तब गुगुल। ये वो लाक्षा गुगुल से नहीं हुआ है, उनको पित्त पहले से ही था, उष्णता तीक्ष्णता पहले से ही बड़ी थी, द्रव गुण से बड़ा था। तो आप पहले पित्त का शमन करें, लाक्षा गुगुल से कभी भी नहीं होता। और अगर हो रहा है तो दूध पीने के लिए दीजिए। हम लोग हाइट बढ़ाने वाली दवाइयां देते हैं लाक्षा गुगुल के साथ, तो बहुत ज्यादा दूध देते हैं, और लाक्षा गुगुल जो है वह दूध से कैल्शियम का पूरा एब्सॉर्प्शन, कैल्शियम और फॉस्फेट का एब्सॉर्प्शन को बढ़ा देता है, इसीलिए लाक्षा गुगुल का प्रयोग करने से फायदा होता है। दूध जितना देंगे, आधा लीटर से 3 लीटर तक, जितना मैक्सिमम दूध पिएगा पेशेंट, उतना ज्यादा फायदा करेगा, तो एसिडिटी पे बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर राजकुमार सोनी जी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर क्रॉनिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में स्टिफनेस के लिए औषध उपचार बताइए, पिलो का यूज करना है या नहीं करना है? पिलो का यूज हल्का सा करना है, ज्यादा नहीं करना है, और अगर उसको पिलो नहीं सूट करे तो नहीं करना है। दूसरा, स्टिफनेस है तो कोट्टम चुक्की आदि तेल को गर्म करिए और उससे मसाज करिए, या महानारायण तेल लाइए, उसको गर्म करिए, उसमें लहसुन कूट के और थोड़ा सा उसको गर्म कर दीजिए और उससे मसाज कराइए, तो इससे स्टिफनेस पूरी तरह से ठीक होता है। या मुरीवेणा तेल होता है, उसको गर्म करके उसकी तेल धारा करिए या उससे मसाज करिए, बहुत बढ़िया काम करता है। नाड़ी स्वेद कराइए, उपनास स्वेद कराइए, पोटली स्वेद, उसी तरह से ये जो है शालिषष्ठिक पिंड स्वेद, उसका प्रयोग कराएं, शालिषष्ठिक पिंड स्वेद से स्टिफनेस पूरी तरह से ठीक हो जाता है। डॉक्टर रंजीता जी बोले हैं 15 ml बहुत ज्यादा नहीं है, नोज पूरा ब्लॉक नहीं हो जाएगा? अच्छा रंजीता जी, एक बार पुणे में आइए, और अनुरिता मैम को मैं डेली डालता हूँ, तो उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि ब्लॉक हो जाएगा। वो यहाँ यहीं पे रहेगा क्या? नाक में डालेंगे तो ब्लॉक हो जाएगा क्या? अंदर वो ब्रेन में चला जाता है, तेल जो होता है उसकी विस्कोसिटी देखिए, नाशा ही शीर्षो द्वारम, हम वो घी नहीं है कि जमा हुआ घी नहीं है कि इधर नाक को ब्लॉक करके रहेगा, पत्थर नहीं है कि नाक को ब्लॉक करेगा, तेल है, तेल पूरा ब्रेन में चला जाता है। मतलब मैं देता हूँ, अगर आपको नहीं ये एक्सेप्टेड है तो कोई बात नहीं, आप मत दीजिए, आप दो दो ड्रॉप दीजिए, एक एक ड्रॉप दीजिए। डॉक्टर
डॉक्टर वरुण कुमार जी बोल रहे हैं गोंद के लड्डू कैसे बनाए। इसके लिए तो यहाँ पर एक पुणे में एक काका हलवाई का शॉप है, बहुत बढ़िया मिठाई वाले हैं, हलवाई हैं। तो आप मुझे हलवाई मत समझिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, आपको सीखना है कि गोंद के लड्डू कैसे बनाना है, तो आप मेरे साथ चलिए, मैं वहाँ पे लेके जाऊँगा और मैं दिखाऊंगा कि लड्डू कैसे बनाते हैं। लड्डू बनाने वाले ही वो चीज़ बता सकते हैं, टेलर ही कपड़े सिल सकता है, नाई ही बाल काट सकता है, तो फिर जो लड्डू बनाने का है वो हलवाई लोग ही बता सकते हैं, या घर में माताएं बहनें जो है वही बता सकते हैं, मैं सब काम तो नहीं करूंगा जी। डॉक्टर मनीषा जी बोल रहे हैं कि यस सर, विलेज वाले पेशेंट गिफ्ट प्यार से देते हैं जी। आप ऐसा समझ लीजिए, मेरे को तो कोई भी देता है गिफ्ट, बस ये मतलब गिफ्ट वाली बात मैंने इसलिए कहा कि लोग ना दुआएं देते हैं हमको, वो दुआ लेना चाहिए। मैंने ऐसे डॉक्टर्स भी देखे हैं कि वो लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं है तो मंगलसूत्र गिरवी रखो और पैसा लेके आओ, फिर ये जो गिरवी रखा है मंगलसूत्र इसको छुड़ाओ, ऐसे देखे हैं। और फिर उनको ना ऐसे पेशेंट ने ऐसे कट कट करके से बद्दुआ देके गई, और वो बद्दुआ लग गई डॉक्टर लोगों पे। और कुछ कुछ डॉक्टर्स होते हैं उनको बोलता है बहुत अच्छा लग रहा है, पैसा कमा रहे हैं, ऐसे पेशेंट का गला ऐसे पकड़ के बोलते हैं पैसा निकालो, मतलब एक तरीका होता है पैसा खींचने का। लेकिन ये हमेशा सोचिएगा कि हम लोग इंसानियत के लिए आए हैं, मतलब इंसानियत की सेवा करने के लिए आए हैं, हमें पैसा कमाना है लेकिन बद्दुआ नहीं लेनी है। अब कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट रो रो के पैसा देता है, उसके पास पैसा नहीं रहता, उसको खाने का ठिकाना नहीं रहता, और आयुर्वेद की दवाइयाँ महंगी है, आपको ये मानना पड़ेगा, तो हमें बद्दुआ नहीं लेना है। नहीं तो क्या होता है ना, रोए रोए से जो बद्दुआ निकलती है, दिल से बद्दुआ निकलती है, वो कहीं ना कहीं लग जाती है, और फिर उसको हमें ये जन्म में नहीं अगले जन्म में भोगना पड़ता है। कभी भी किसी की भी बद्दुआ मत लीजिए, अपने तरफ से कोशिश, लेकिन शटम शाठ्यम समाचरेत, जो दुष्ट है दुष्टता कर रहे हैं उसको छोड़ना भी नहीं है। मेरे पास एक बार क्या हुआ कि एक गुंडा आया, मतलब यहाँ का ये एरिया का गुंडा आया जो हफ्ता वसूल करता था, तो वो मेरे पास आया और मेरे पास बहुत सारे पेशेंट थे, तो बोलता है कि मेरे को ये दवाई चाहिए, मेरे को सेक्स का दवाई चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आके रोज परेशान करता था, लेडीज पेशेंट है या कोई भी, सबके सामने कभी भी आ जाता था, मुझे इतना परेशान किया उसने, इतना परेशान किया, और मैं चाहता था कि वो ना आए। अब मैं उसको बार बार बोलता था कि सर मेरे को पेशेंट देखने दीजिए, और वो गुंडा था बहुत, और उनमें होता ही है मतलब फ्री में लेने का एक होता है। मैंने उसको ना अपने बचाव के लिए एक लूज मोशन का गोली दे दिया, इच्छा भेदी दे दिया, आया ही नहीं वो, उसको 3-4 लूज मोशन हुए और उसके बाद जो डर गया वो आया नहीं। तो इसीलिए ना यहाँ पर अभी हम लोग देवी देवताओं को देखते हैं तो दुर्गा जी हैं, विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान ने चक्र रखा है अपने सुदर्शन चक्र, देवी देवताओं ने हथियार रखे हैं, हमारे पास भी हथियार है, हम लोग दवाई से उनको भगा सकते हैं, हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन शठम शाठ्यम समाचरित, जो दुष्ट है उसके साथ दुष्टता से ही व्यवहार करना चाहिए, वो भी किस लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, तो मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। फिर वो उस दिन के बाद वो गुंडा आया नहीं, फिर वो मतलब वो उसको मैं क्यों दूँ दवाई, मैं वो दवाई गरीब को नहीं दूँ क्या, जो तो इसीलिए ना अपना रक्षा करना बहुत श्रेष्ठ है। और फिर अभी तो ये हो गया, ये पहले की बात है, आजकल तो पुणे की पुलिस है, उनका पूरा स्क्वाड ऐसे पेट्रोलिंग करते रहता है, तो अगर किसी ने फोन किया तो तुरंत पुलिस आ जाती है, तो कभी ऐसे डर के, और डॉक्टर को तो कभी नहीं किसी से डरना चाहिए, डॉक्टर जो होते हैं वो निर्भीक होने चाहिए, मतलब निडर होने चाहिए, तो लेकिन कभी कभी ऐसे असामाजिक तत्व रहते हैं जो आके ना डॉक्टर को ऐसे घोड़ा लगाते हैं, बंदूक लगाते हैं और बोलते हैं चल दवाई दे, तो हमें हमें उनका कैसे रास्ता निकाले वो करना है, हमें उनसे पंगे नहीं लेना है, हमें वहां से उलझना नहीं है, हमें वहां से रास्ता निकालना है कि हम बच जाएं, इसका भी ध्यान रखिएगा। बहुत सीधा भी नहीं बनना है, जितना सीधा बनेंगे उतना दुनिया आपको परेशान करेगी, थोड़ा कठोर भी बनना पड़ता है कभी कभी, और वो भी दिखाना नहीं है कि हम कठोर हैं, हमें कभी कभी ऐसा बनना पड़ता है। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रीना विश्नोई जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रश्मि खन्ना जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर कुश साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर शिवम आयुर्वेद जी बोल रहे हैं कि मास मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में वात दोष है, मास है, ये दोनों है, दोनों है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे मैं एक लेक्चर लूंगा, आप चिंता मत करिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है, आयुर्वेद में उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा सब, चिंता मत करें मैं बताऊंगा। डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर देवराज जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर देवांशु जी बोल रहे हैं अनुबंध और आवरण, आवरण का मतलब क्या होता है कि बीच में एक दोष है, ऊपर से किसी ने कवर किया है दूसरे चीज ने, वो आवरण होता है। अनुबंध मतलब मैं और आप, हम दोनों जब साथ में जाएंगे आपका कुछ गुण मिलेगा मेरा भी गुण मिलेगा, अनुबंध मतलब साथ में जाना, जैसे वात पित्त ज्वर, पित्त कफ ज्वर, वात कफ ज्वर, ये अनुबंध दोष होते हैं,
इसमें द्वंद्व जो रहते हैं, ये दोनों जो दोष रहते हैं वो पावरफुल रहते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं, और गुण अलग है लेकिन बेस्ट फ्रेंड है, दोनों पावरफुल हैं और वह सिम्टम दिखा रहे हैं। आवरण में क्या होता है कि एक दोष कम हो जाता है और दूसरा कवर करके उसके रास्ते को बाधा पहुंचाता है, उसके कर्म नहीं करने देता, ये आवरण होता है। जैसे कि अंग्रेज आए थे, उन्होंने इंडियंस पे राज किया, रूल किया, तो वह आवरण कर दिया उन्होंने, तो फिर इंडियन अपना काम ही नहीं कर पाते थे, सारा काम रूल कौन करता था, अंग्रेज करते थे और वह काम करवा के लेते थे, ये एक तरह से आवरण हो गया। जब अनुबंध होता है तो आज के स्वतंत्र भारत में हम और ब्रिटेन साथ में मिलके कुछ काम करते हैं, तो वो हो गया अनुबंध। तो आप लोगों को ये जो अंग्रेज वाला मैंने बताया उससे आपको समझ गया होगा, मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताता हूँ तो शायद आप लोगों को समझ आएगा। मनीषा जी बोल रहे हैं आपके प्रश्न उत्तर का पार्ट भी बहुत सारी जानकारी मिलती है, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर सचिन यादव जी बोल रहे हैं थैंक यू नमस्ते। डॉक्टर भूपेंद्र मणि त्रिपाठी जी नमस्ते। डॉक्टर आशा जी हैं, आशा जी आप कहाँ थे इतने दिन से, सब लोग मिस कर रहे थे आशा जी, और आप तो इतनी अच्छी चिकित्सक हैं, आपके क्लासमेट हैं डॉक्टर हेमंत शाह जी, वो तो रोज आते हैं हमारे सेशन में, आप भी आया करिए, आपसे ऐसा मैं विनती करता हूँ आप जरूर आया करिए। डॉक्टर भूपेंद्र मणि त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अविनाश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गुरनेक सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के बेस्ट और एक्सीलेंट डॉक्टर हैं। डॉक्टर मृणाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा जी बोल रही हैं कि सर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट 42 आवर्स हैविंग नमनेस एंड स्टिफनेस इन लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड में स्टिफनेस है पूरा, या फिर हस्तपाद हस्त चिमचिमायन है, चीटियाँ काट रही हैं, ऐसे झंझनाहट हो रही है, स्टिफनेस भी है, तब हमें क्या करना है, सर्वाइकल एरिया में एक तो स्नेहन करना है आपको, स्नेहन के लिए कुट्टम चुकी आदि तेल, मुरीवीणा तेल, कोई भी वेदना शामक तेल का आपको मसाज करना है और हल्का करना है, जोर से नहीं करना। दूसरा आपको शीरबला तेल का नस्य देना है, जितना नस्य देंगी नाशा ही शीरसोद्वारम। मैं अनुरिता मैम आती है मेरे पास, एक एमडी डॉक्टर है अनुरिता मैम, हमारे इसमें ही आती है आयुष दर्पण की, तो उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, मैं उनको 1 महीना से 15 ml सुबह 15 ml शाम को 101 शीरबला तेल का नस्य देता हूँ, तो उससे क्या हुआ कि नाशा ही शिरस्वरम गला में नहीं आता है, डायरेक्ट ब्रेन में जाके फिर आधा घंटा बाद फिर वो उतरता है, उससे ये पूरा एरिया जो है ये पूरी तरह से ये हो रहा है, मतलब स्नेहन हो रहा है। और इंटरनल दवाई में मैंने उनको लाक्षा गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, ये सारे गुगुल कर, महायोगराज गुगुल, पंचतिकृत गुगुल, ये सब दिया है, तो उससे एक तो वेदना कम हो रही है और स्पॉन्डिलाइटिस इंफ्लेमेटरी चेंजेस है वो इंफ्लेमेशन कम हो रहा है, जितना स्नेहन हो रहा है उतना उनका ये सब ठीक हो रहा है, स्टिफनेस कम हो रहा है, नमनेस ठीक हो रहा है, और ऐसे पेशेंट में पेन पकड़ना, फाइन मूवमेंट, ये सब अच्छा हो जाता है, तो इसीलिए ना नस्य का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है, और अभ्यंग और गुगुल कल्प या स्वर्ण कल्प, और कुछ कुछ पेशेंट को बहुत ज्यादा स्पॉन्डिलाइटिस रहता है, लंबर में भी रहते हैं यहाँ, तो उनको हम बस्ती देते हैं, तो और नाड़ी स्वेद अगर करा दिया जाए तो बहुत बढ़िया काम करता है, और जो पिलो है उसको बहुत ज्यादा ऊंचा पिलो रखने की आदत है तो वो कम करा देते हैं या नहीं रखाते हैं, तो बहुत बढ़िया काम करता है ऐसा। आप आशा जी करिए तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सक्सेसफुल होने वाली हैं। डॉक्टर रचना जी बोल रही हैं कि नस्य देने के पहले आम पाचन करना चाहिए, नस्य नाशा ही शीर्षोद्वारम, नस्य जो है वो सिर में जा रहा है, अग्नि का क्या संबंध है, आप कोई भी चीज जब पेट में डाल रही है जहां पर अग्नि की क्रिया है वहां पर आम पाचन कराना है, नस्य देने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, और उपस्तंभित वायु है मतलब आम वात जैसे कंडीशन है तब हम लोग दीपन पाचन देते हैं, निरुपस्तंभित वायु है वहां पर आम है ही नहीं तो नस्य का क्या मतलब, अग्नि पे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है वो, और अग्नि भी काम करे तो मेधा की अग्नि कर रही है, जठराग्नि मंद हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है उसका, इसलिए ये देखिए कि वो तेल कहाँ जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है यहाँ पर जा रहा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आप बिना आम पाचन के भी देंगे तो रिजल्ट आएगा। डॉक्टर रूपाली जी बोल रहे हैं कि क्रॉनिक डेली स्टिफनेस अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम प्लीज सजेस्ट ट्रीटमेंट, अगर क्रॉनिक है डेली स्टिफनेस है तो मैंने बताया ना तेल का अभ्यंग करिए, मैंने एक पेशेंट को जिनको नस्य नहीं लेना था, नस्य लेने नाम सुनते ही डर लगता था, तो मैंने उनको 1 साल तक शतावरी घृत दिया, विदार्यादि घृत दिया, फिर अश्वगंधा घृत, ये तीनों को एक एक चम्मच मिक्स करके और 3 टाइम लेने के लिए कहा, उससे ना पूरा स्टिफनेस पूरी तरह से ठीक हो गया। जो लोग नहीं मानते उनको युक्तिपूर्वक चेंज करना पड़ता है, और कोई लोगों को काढ़ा नहीं चाहिए, टैबलेट नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, घृत के शौकीन होते हैं तो उसको मधुर रसात्मक घृत देना है, जो लोग तिक्त घृत खा सकते तो महातिक्त घृत, गुगुल तिक्त घृत, नरसिंह रसायन ये देते हैं हम लोग, जैसे जैसे अवस्था रहती है, लेकिन
कुछ लोगों को ये भी नहीं चाहिए वो भी नहीं चाहिए, गूगल कल चलता है तो हम लोग महायुवराज गूगल त्रयोदशा गूगल ये दो दवाई देके, और बोलते हैं जो दीपन पाचन दवाई देते हैं लवण भास्कर चून ये सब देके, फिर बोलते हैं 50 to 100 ml गाय का घी खाइए और गाय का घी का ही नस्य लीजिए, नॉर्मल घी से भी स्टिफनेस ठीक हो जाता है, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल दवाइयों से भी ठीक हो जाते हैं पेशेंट। डॉक्टर रेखा वर्मा जी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ रहे हैं, सर मुरी वीणा ऑयल के नी पर एप्लीकेशन से स्किन में इचिंग हुए तो क्या रीजन हो सकता है? मुरी वीणा ऑयल से तो नहीं होता है वो, ये खर पाक होगा, मतलब आपने जो कंपनी मेड लिया है वो खर पाकी होगा, तो मुरी वीणा तेल को बदल दीजिए, वहां पे मुरी वीणा तेल दीजिए ही मत, आप उसके बदले कुट्टम चुकिया दीजिए, चंदन मलालाक्ष दे दीजिए, महानारायण तेल दीजिए, महाविश्वगर्भ तेल दीजिए, जो चीज जिस पेशेंट को साथ में नहीं हो रहा है वो हटा देना चाहिए। डॉक्टर हरकिरण सिंह जी बोल रहे हैं कि यूरिक एसिड की ट्रीटमेंट, ऐसे यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट आयुर्वेद में नहीं बोला है, वात रक्त जैसी संप्राप्ति होती है तो कैशर गुकुल दे दीजिए, रक्त मोक्षण करा दीजिए, लीवर पे काम करने वाले आरोग्य वर्धिनी वटी दे दीजिए, और उसके बाद में विरेचन दे दीजिए, तिक्तक शीर बस्ती दे दीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है, पूरा लीवर का फंक्शन अच्छा करना है, रक्त को प्यूरिफाई करना है, दूषित पित्त को निकालना है, जब हम ऐसा काम करते हैं तो यूरिक एसिड पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मैंने तो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हो गए थे, वातरक्त जैसी संप्राप्ति थी, मैंने तिक्तक शीर बस्ती 3 महीना दिया, मतलब पाटा सॉरी पटोल हो गया, पटोल यष्टि मधु किरातिक और गुडुचि, पटोल यष्टि मधु किरातिक और गुडुचि इसको सिद्ध किया, शीरपाक बनाया, और उसमें मैंने शीरपाक विधि से मतलब दूध 8 गुना डाल के, 8 गुना पानी डाल के उबाल के उसमें महातिक्तक रीति या गूगल तिक्तक रीति डाल के, और मैंने डेली बस्ती दिया, ऐसे डेली बस्ती देने से यूरिक एसिड पूरी तरह से ठीक ही हो जाता है, और क्योंकि गुडुची इतना बढ़िया दवाई है ना, ऐसे संशमनी वटी भी अच्छा काम करता है, कैशोर गुगुल में भी गुडुची है बहुत बढ़िया काम करता है, आप लोग भी ऐसा करेंगे तो पेशेंट ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अविनाश कुमार जी बोल रहे हैं कि फैटी लिवर और हाइपर एसिडिटी जीवा रुक्ष है, औषधि आरोग्य वर्धन वटी आप विपत्ति कर चूर्ण महाशंग वटी त्रिफला चूर्ण दिया है, बहुत बढ़िया काम किया है, आप ऐसे ही करिए और हमें बताइएगा। डॉक्टर अंजू बालाजी बोल रही हैं कि सर नी पेन में सहस्राज तेल की बस्ती देनी चाहिए, वात कफ शामक होता है, बहुत बढ़िया आपने बहुत बढ़िया बताया, आप दीजिए। डॉक्टर अविनाश जी बोल रहे हैं कि फिर भी हाइपर एसिड नॉर्मल होकर फिर से हो गया है, मूर्छा भी हो जाता है, क्या करें? अभी आपने सर फैटी लीवर और मूर्छा ये सब बताया, आपने उनको विरेचन तो कराया नहीं, आपने नस्य तो दिया नहीं, तो मूर्छा आएगा ही, और आपको ना घृत पान कराना है, केवल आरोग्य वर्धिनी वटी और हाइपर इन सब से नहीं होगा, आपने पित्त शामक सुचेखर रस नहीं दिया, प्रवाल पंचम नहीं दे दिया, कामधुधा नहीं दिया, आरोग्य वर्धिनी पित्त के शमन नहीं करता है, केवल अविपत्ति कर चूर्ण पित्त शामक है, बाकी तो आपने कुछ दिया ही नहीं है सर, पित्त शामक पित्त पे काम करने वाली दवाइयां देखिए, और मधु तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य निकालिए और वह दीजिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या करिए, इंटरेक्टिव सेशन में आइए तो मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से समझा दूंगा। डॉक्टर रीना जी बोल रही हैं कि सर पेटीएम नहीं फोन में इजी ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, अभी आप मुझे मैसेज करें मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। डॉक्टर महेश जी बोल रहे हैं कि हैवीनेस इन हेड, अणु तेल से नस्य दिया है लेकिन कम नहीं हो रहा है, अणु तेल का आप एक ड्रॉप डालेंगे दो ड्रॉप डालेंगे तो नहीं होगा सर, उसमें षडबिंदु तेल और अणु तेल का ज्यादा नस्य डालिए तो हैवीनेस ठीक होगा, ज्योतिषमती तेल है बच्चा तेल है वो शिरो विरेचन कराता है, अणु तेल भी डालना है तो ज्यादा डालिए, ज्यादा डालने से स्नेहन शोधन करके आप लोग ज्यादा मात्रा में डालेंगे तभी हैवीनेस ठीक होगा। कान को ढक के रखने को बोलिए, कॉटन लगा के और मफलर लगा के या टोपी लगा के रखने को बोलिए, हैवीनेस फिट होगा, क्योंकि कफ ने पूरा आवरण कर दिया इसलिए हैवीनेस लग रहा है, तो वहां पर अणु तेल ज्यादा मात्रा में देना पड़ेगा। डॉक्टर रंजीता जी बोले हैं गोंद के लड्डू, जी मैं ना हलवाई नहीं हूँ ऐसे मैं बता दूंगा, लेकिन आप मेरे से हर चीज मत बोलिए, आप पूछेंगे कि मिसाइल कैसे बनता है, आप बोलेंगे कि जहाज कैसे उड़ाते हैं, मैं सब चीज नहीं बता सकता हूँ, मैं आपको प्रोसेस बनाऊंगा बता सकता हूँ, कभी लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन मैं हलवाई नहीं हूँ, आप मुझसे वो चीज मत पूछे, मुझे ना सादा रोटी सब्जी बनाना नहीं आता, चाय बनाने नहीं आता, तो मुझसे ये चीज मत पूछे जो चीज मुझे नहीं आता, मैं आपको प्रोसेस बता सकता हूँ, लेकिन मतलब जो एक्चुअल लोग बनाते हैं हलवाई लोग वो लोग ही बता सकते हैं कि वो कैसे बनता है। डॉक्टर आशा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रचना जी नमस्ते प्रणाम आपको, क्या है ना कि आप लोग ऐसे अपेक्षा करते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब चीज में पूर्ण नहीं हूँ, पूर्ण कौन है तो ब्रह्म है, पूर्णवदा पूर्णमितम पूर्णाद पूर्णमेदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णमेवावशिष्यते मतलब 100% परफेक्ट कौन है तो गॉड है, तो आप हलवाई का काम पूछेंगे मैं नहीं आता,
गोंद के लड्डू का मैं प्रोसेस बता दूंगा, लेकिन लड्डू कैसे बनता है एक्चुअल में, वो हलवाई या जो लोग बनाते हैं, वो जो यहाँ पे बहुत सारी स्त्री वैद्या बनाती हैं, वो लोग ही बता सकते हैं। डॉक्टर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सहस्त्रगम कौन कौन से राइटर की है, राइटर का स्पेलिंग ठीक कर दीजिए। राइटर का मैं आप लोगों को बता दूंगा, इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, मैं बता दूंगा। डॉक्टर अंकेश जी बोल रहे हैं, नमस्ते प्रणाम। अंकेश जी तो मेरे क्लासमेट हैं एमडी के, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। ये बोल रहे हैं कि नस्य विवर शोथ में क्या करें, जब नस्य विवर शोथ रहता है तो वहाँ पे सूक्ष्म त्रिफला दीजिए, क्योंकि नासा विवर जो शोथ रहता है अंदर इंफ्लेमेटरी चेंजेस रहते हैं, तो उसमें सूक्ष्म त्रिफला बहुत बढ़िया काम करता है। और AKT दीजिए, अमृता गुगुल, केशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये आयुर्वेद का एंटीबायोटिक है, बहुत बढ़िया काम करता है, पूरा स्वेलिंग 3 दिन में ठीक हो जाता है। सूक्ष्म त्रिफला, अमृता गुगुल, केशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, 3 दिन में पूरा शोथ को ठीक कर देता है। डॉक्टर रेखा वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अविनाश जी बोल रहे हैं कि बॉडी वेट 80 kg, नॉन अग्लो वेजिटेरियन पेशेंट है, तो आप न पेशेंट का ना पूरा ये लिख के आइए सर, इंटरेक्टिव सेशन में डिस्कस करेंगे, यहाँ लिख के बता रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा, आप सेशन में आइए। डॉक्टर मुकेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मैथिली जी बहुत अच्छा चीज़ बोल रही है, सर्वाइकल रीजन से लेके बैक तक मसल स्पाजम है और हाइपर एसिडिटी है, स्पाजम है तो कुट्टम चुक्यादि तेल से मसाज बहुत अच्छा काम करेगा, फिर नाड़ी स्वेद, पिंड स्वेद, फिर उसके बाद में शालिषष्ठिक पिंड स्वेद, ये सब दीजिए। हाइपर एसिडिटी है तो पित्त की चिकित्सा करिए, मतलब अगर उष्णता तीक्ष्णता बढ़ी है, साम पित्त है कि निराम पित्त है वो देखिए, सुशेखर रस है, प्रवाल पंचामृत है, कामदुधा रस है, शंख भस्म है, प्रवाल पिष्टी है, शतावरी चूर्ण है, वासा चूर्ण है, रस पाचक है, रक्त पाचक है, सारे तिक्त रसात्मक द्रव्य है, कितने सारे हैं, वो हाइपर एसिडिटी में देंगे तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। डॉक्टर राजकुमार सराफ जी बोल रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिस में दशमूल तेल का नस्य दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं, वात कफ संप्राप्ति में दशमूल बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत अच्छा फायदा करेगा। डॉक्टर प्रशांत जी बोल रहे हैं सर आप शादी कब कर रहे हैं, अब इसका उत्तर है कि मेरे क्या है ना, मेरे साथ ना किसी का कुंडली नहीं मैच होता, मेरे कुंडली में डबल मांगलिक दोष है, मेरे कुंडली में बहुत सारे ऐसे है, मेरा शादी फिक्स होता है फिर टूट जाता है। आप प्रशांत भट्ट जी मेरे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढिए, जो मतलब मेरे को ऐसा कुछ, मेरे पास सब कुछ है, मतलब कार, बंगला, फ्लैट, सब कुछ है, जमीन, हॉस्पिटल, सब कुछ है, बस अच्छा लड़की चाहिए, आप ढूंढ लीजिए मेरे लिए, और आप बताएं आप जो पसंद करेंगे मेरे लिए मैं उनसे कर लूंगा, आप जब बोलेंगे मैं तब करने को तैयार हूँ। मेरे साथ ना कुंडली मैच नहीं होता, मतलब एक तो क्या है ना कि भारतीय विद्यापीठ से जहाँ से मैंने MD PhD किया है, वहाँ के लोग बोलते हैं कि ये पागल है, 4 बजे उठ जाता है और शास्त्र पढ़ने लगता है, पूजा पाठ करता है, रात को 12 बजे सोता है, तो इसके साथ कोई लड़की टिक नहीं सकती, ऐसा बोला जाता है। अब मैं क्या करूं, मुझे नींद कम आती है और मेरा जो ऐसे संस्कार है तो, और ऊपर से मैं प्याज लहसुन नहीं खाता, तो मेरे को ऐसा लड़की कौन मिलेगी जो प्याज लहसुन ना खाए, सुबह उठ के पूजा पाठ, वो लड़कियां दूर भाग जाती हैं, मेरा नाम मतलब ऐसा दिनचर्या ये सब देख के दूर भाग जाती हैं, मेरे को सब लोग गुरु के रूप में करते हैं कि हाँ अच्छे गुरु हैं सब कुछ है, लेकिन वो शादी ब्याह के लिए तो मैं बना ही नहीं हूँ, अगर कोई इन सबको एक्सेप्ट करती है तो ठीक है, स्वागत है, मैं करने को तैयार हूँ। डॉक्टर रंजीता जी बोल रहे हैं कि फिट्स में पंचामृत और स्मृति, पंचामृत लौ गुगुल है मैम, पंचामृत लौ गुगुल और स्मृति सागर रस, एक एक रत्ती की गोलियां आती हैं, मतलब 125 mg सुबह, 125 mg शाम को। डॉक्टर रेखा वर्मा जी बोल रही हैं थैंक यू थैंक यू। शिवम आयुर्वेदा जी बोल रहे हैं कि सेंड मी योर होरोस्कोप, होरोस्कोप मत देखिए, उसमें चांडाल दोष है, फिर उसमें विष दोष है, पित्र दोष है, मंगल दोष है, बहुत सारा है सर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कुंडली मैच ही नहीं होती किसी से, बिना कुंडली मैच के कोई भी लड़की लाइए, कोई भी जाति का लाइए, कोई भी कुछ लाइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी लाइए, मैं करने को तैयार हूँ, इंसान अच्छा होना चाहिए, और मेरे लिए कास्टिज्म वगैरह कुछ नहीं है, आप लोग देखिए मैं तो सबको सब पढ़ाता हूँ, बस मेरे को ना कोई लहसुन प्याज ना खिलाए, नॉनवेज ना खिलाए, बस मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, और मेरे पूजा पाठ मेरे टीचिंग में बाधा ना बने बस, और बाकी सब मैं उनको खुशियाँ दूंगा, लेकिन कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई है ही नहीं, भगवान ने ऐसा बनाया, अब मैं क्या करूं। सेंड योर बर्थ डिटेल्स सर मैं आपको दे दूंगा सर, अभी ये सेशन चल रहा है, अभी मैं यहाँ पे क्या करूं, सब रिकॉर्ड हो रहा है सर, सर मैं अपना नंबर दे देता हूँ, आप लोग ना कोई भी प्रश्न है ट्रीटमेंट से रिलेटेड, बाकी चीज नहीं, ट्रीटमेंट रिलेटेड मेरे से कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछिए, और फ्री इंटरेक्टिव सेशन उसका मैं आप लोगों को ये देता हूँ, पासवर्ड और आईडी देता हूँ,
आप लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे ना आप लोगों से कोई भी बात शेयर करने में कोई वो नहीं, हिचकिचाहट नहीं होती है। मैं देखिए आप लोगों से सब चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को अपना मानता हूँ। देखिए मैंने इंटरेक्टिव सेशन का पासवर्ड और आईडी दे दिया है, सभी लोग 8:15 बजे ज्वाइन होइए, बहुत मजा आएगा। सभी को प्रणाम, कोटि कोटि नमस्ते, प्रणाम। और मुझे आप लोग अच्छे लगते हैं, कोई भी मेरे बारे में ऐसा मत सोचेगा, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, भगवान ने ऐसा बनाया। मैं खुद को इम्प्रूव करने का कोशिश करता हूँ। डॉक्टर विनोद जैन जी बोल रहे हैं, यू हैव माई नंबर, सेंड प्लीज। जी मैं अभी भेज दूंगा सर। मैं मुझे आप लोग तरक्की करेंगे ना, मैं चाहता हूँ कि आप लोग तरक्की करें। भगवान ने मुझे जो दिया है मुझे बहुत अच्छा है, मैं आप लोग को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, प्रणाम।